हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की हम क्लास में करने वाले क्या कि आप एक बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मींस व्हाट, हाउ टू रिड्यूस अ बुलियन एक्सप्रेशन, और यू कैन से मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन अलजेब्रा में अभी तक हमने बहुत टॉपिक्स कवर कर लिए, और उसमें हमने हमेशा देखा है कि बुलियन एक्सप्रेशन होती है, राइट? बुलियन एक्सप्रेशन होती है, उसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं और ठीक है, और आपके क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई कोई बुलियन एक्सप्रेशंस काफी बड़ी भी होती है ना। तो अब इस वीडियो में क्या करेंगे हम कि बुलियन एक्सप्रेशंस को हम कैसे मिनिमाइज, और यू कैन से कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस करने के ना बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? दो मेथड्स। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड, उसको क्या कहते हैं हम, एलजेब्रिकली, और यू कैन से एलजेब्रिक मेथड से हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि आप एलजेब्रिकली किसी बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स सपोज अगर आपको कहता है, क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस द एक्सप्रेशन, ये आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रही, ठीक है, और हमको इसको रिड्यूस करना है, और यू कैन से हमें इसको मिनिमाइज करना है, कैसे? एलजेब्रिक मेथड से। एलजेब्रिक मेथड का मतलब कि हमने जो अभी जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में हमने जो लॉज डिस्कस करे थे, जो बुलियन एलजेब्रा के अंदर हमारे लॉज होते हैं, जैसे इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, डिफरेंट लॉज होते हैं ना, उन सबको यूज करके हमें इन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मुझे एक्सप्रेशन दे दी, काफी बड़ी एक्सप्रेशन है, मैं इसको देखते कैसे एक स्मॉल मतलब एक्सप्रेशन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस में ए बी सी डी बार प्लस में ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज देखता हूं, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ए कॉमन है, बी बार भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, यानी कि मैं अगर इन दोनों में से ए बी बार सी कॉमन निकाल लू तो क्या होगा। देखो अगर मैं ए बी बार सी कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा डी बार प्लस इधर बचेगा डी, ठीक है। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला ए बी बार सी, और जो बचा वो मैंने लिख दिया प्लस। इन दोनों में से देखते कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं। इसमें देखो ए कॉमन है, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो ए बी सी कॉमन निकाल लिया इसमें से, मैंने इसमें से ए बी सी को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा डी बार प्लस डी, ठीक है। अब आपने एक लॉ पढ़ा था, याद है आपको, हमने मतलब एक लॉ पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है कि अगर x प्लस x बार कर दें तो हमें क्या मिलता है, 1। और इसका दूसरा एक और होता था क्या, कि अगर हम x डॉट x बार कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये होता था कि अगर आप एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली इधर देखो, वही तो केस है कि एक वेरिएबल है उसको हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, आप खुद देखो, ए बार ए बी बार सी डॉट वन मिलेगा ना, प्लस ए बी सी डॉट वन मिलेगा। डॉट मतलब कि मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी बार सी इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है ना, और इसका रिजल्ट क्या है, 1 आया है, और इसका रिजल्ट भी क्या है, 1 आया, यूजिंग व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो आप इधर साइड में मेंशन कर देना, ठीक है। अब आपने एक और लॉ पढ़ा था, वो कौन सा लॉ था, लॉज ऑफ 0 एंड 1, और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। उसमें क्या था कि अगर आप किसी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 से, तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा, यानी कि अगर ए बी बार सी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ए बी बार सी मिलेगा, प्लस में ए बी सी को अगर मैं 1 से करता हूं तो मुझे ए बी सी ही मिलेगा। तो आप इधर साइड में मेंशन कर सकते हैं कि एक्स इंटू 1 क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है। आप देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा, देखते हैं। इसमें ए कॉमन है, बी कॉमन है, क्योंकि इसमें बी बार है और इसमें बी है, और सी भी कॉमन है, यानी कि दोनों में ए एंड सी क्या है, कॉमन है। तो दोनों में से अब क्या करते हैं, ए सी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, बी बार प्लस बी बचा, ये बचा ना, ठीक है। एंड अगेन बी बार प्लस बी, ये वही वाला केस आ गया जब हमने ऊपर भी डी बार प्लस डी करा था, यानी कि व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बन गया, क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ए सी इंटू 1 हो जाएगा, और आप मेंशन कर दो इधर कि x प्लस एक्स बार क्या होता है, 1 होता है, और ए सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, अगेन ए सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आप x इंटू 1 करो तो हमें क्या मिलता है, एक्स ही मिलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। तो आपने देखा एट द लास्ट हमारे पास क्या बचा, ए सी, एंड ए सी का हम कुछ नहीं कर सकते,
तो देखो आपने कि इतनी बड़ी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन थी और हमने इतनी बड़ी बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके कितना छोटा कर दिया हमने, है ना। सो ये होता है क्या कि आप एक किसी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करके उसको एक छोटे मतलब एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर आपका क्वेश्चन आया, आपको एक अगेन बूलियन एक्सप्रेशन दे दी और आपको फिर से कहता है कि आपको इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपको रिड्यूस करना है और ये भी कह सकते हैं कि आपको उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमने ऊपर करा था वैसे ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल लेते कॉमन आ रहा है, तो दोनों में एक्स बार कॉमन है और जेड बार कॉमन है, यानी कि मैं एक्स बार और जेड बार निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा वाई बार प्लस वाई प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स और इसमें कॉमन आ रहा है जेड बार, यानी कि एक्स और जेड बार दोनों में कॉमन है, तो मैं एक्स और जेड बार कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा वाई बार प्लस वाई। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन देखा था, अगेन ये वाई बार प्लस वाई यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बनता है, यानी कि क्या हो जाएगा ये एक्स बार जेड बार इंटू वन प्लस में एक्स जेड बार इंटू वन, क्योंकि हमें पता है कि एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है वन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। और हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन कि अगर आप किसी वेरिएबल को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है, तो क्या बचेगा ये एक्स बार जेड बार प्लस एक्स जेड बार, और मैं लिख दूंगा क्या कि एक्स इंटू वन क्या होता है एक्स ही होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन क्या आ रहा है जेड बार, इसमें भी जेड बार है इसमें भी जेड बार, तो जेड बार कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा एक्स बार प्लस एक्स, और एक्स बार प्लस एक्स क्या हो गया अगेन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, है ना, तो हो गया जेड बार इंटू वन, तो मेंशन कर सकते क्या कि एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है वन होता है, एंड एक वेरिएबल को अगर वन से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है वही वेरिएबल मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जेड बार आंसर हो जाएगा इसका, और हम मेंशन कर देंगे क्या कि एक्स इंटू वन क्या होता है एक्स ही होता है, ठीक है। तो देखा हमने अगेन एक बूलियन एक्सप्रेशन को हमने एक छोटे से एक्सप्रेशन हमने कन्वर्ट कर दिया और कैसे मिनिमाइज कर दिया, तो उसका फाइनल आंसर क्या है जेड बार। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है मिनिमाइज ए बी प्लस ए सी होल बार प्लस ए बी बार सी। इधर देखना है ये ए जो बार है ना ये बार, ये बी सी दोनों के ऊपर नहीं है, ये जो बार है ओनली बी के ऊपर है, तो ये क्या है ए बी बार सी, सी के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। इधर और ब्रैकेट में क्या है ए बी प्लस सी, हमें कहते हैं कि आपको इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं ए बी प्लस में ए सी होल बार प्लस में ए बी बार सी ए बी प्लस सी, ये हो गया। पहला स्टेप क्या है सिंपल, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए बी प्लस में ए सी होल बार प्लस में ए ए बी बार बी सी, यही होगा ना, क्योंकि अब ए बी बार सी को पहले ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ए बी बार बी और ये सी आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए बी बार सी सी, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ए बी तो एज इट इज ए बी रहेगा प्लस में ए सी होल बार भी ऐसी रहेगा। अब आपको एक लॉ याद होगा शायद, और वो लॉ क्या था, इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हो गई, दो लॉज यूज हो रहे हमारे, एक तो देखो ए ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें सी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या कि दोनों वेरिएबल्स अपने एक दूसरे के साथ ही क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कि एक वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं पहली बात करूं कि अगर एक वेरिएबल अपने आपके साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कौन सा लॉ होता था, आइडम्पोटेंस लॉ, क्या होता था आइडम्पोटेंस लॉ, आइडम्पोटेंस लॉ क्या कहता था कि अगर आप x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा x ही मिलेगा, ये आइडम्पोटेंस लॉ था। सेकंड क्या था कि अगर आप किसी को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलता था जीरो मिलता था, और ये कौन सा लॉ था, ये था कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कि अगर आप x को इंटू एक्स बार करते तो क्या मिलता है हमें जीरो मिलता है, ठीक है। तो हमने दोनों लॉस लगाते तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली देखो इधर a इंटू ए तो a बन जाएगा लेकिन b बार इंटू b क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा ना, यानी कि ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, आप खुद देखो ना, क्योंकि b बार इंटू b हो गया जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया जीरो हो गया ना, यानी कि मैं इसको ना लिखो तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये जीरो हो चुका है, तो उसको स्किप करो। इसमें देखो a b बार ये तो ऐसे डिस रहेंगे, अब c इंटू सी, सी इंटू सी जो हमने इधर मेंशन कर दिया कि x इंटू एक्स क्या होता है x, तो c इंटू सी क्या होगा c ही होगा,
ठीक है, तो अभी तक क्या बचा, ओनली ये हो गया, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको याद होगा हमने एक और लॉ पढ़ा था, और वो कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम, है ना, ये पढ़ा था ना, डी मॉर्गन सेकेंड लॉ। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ क्या कहता था कि अगर ए बी का होल बार है तो क्या होता था, ए बार प्लस बी बार, यही होता था ना डी मॉर्गन सेकेंड लॉ। तो अब इसको यूज कर लेते हैं, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस में ए बार प्लस सी बार प्लस में ए बी बार सी, यही मिलेगा ना। अब आप एक काम करो सिंपल, यहां पे ए सी होल बार है ना, यहां पे सी लिख दो, जिससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो यहां पे सी लिख दो आप, ए सी होल बार, तो यहां पे हो जाएगा ए बार प्लस सी बार, जिससे थोड़ी आसानी हो जाए समझने में सिंपल। और ये कौन सा है, आपको पता होगा, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, है ना। मैंने इतना कर दिया, अब मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता, जरा इनको आगे पीछे शिफ्ट कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ए बार को पहले लिख देता हूं, देन ए बी, देन पे सी बार, देन ए बी बार सी, ठीक है। मैंने ऐसा करा, पर ऐसा क्यों करा मैं आपको अब बताता हूं। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमने एक और पढ़ा था, हमने एक और लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव सेकेंड लॉ, क्या पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ पढ़ा था हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ क्या कहता था कि अगर आप x प्लस में x बार y करते हो, याद आ रहा है आपको, x प्लस में x बार y करते हो तो हमें क्या मिलता है, x प्लस y मिलता है, राइट। ये क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ होता था। अब हम उसी को लगाएंगे, तो सो अगर x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो a बार प्लस ए बी क्या हो जाएगा, आप खुद सोच के देखो, अगर x की जगह आप a बार रखो, x बार की जगह a रखो, y की जगह b रखो, तो आउटपुट क्या होता है, x प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा, x क्या था हमारा, a बार था, तो a बार प्लस b, ये बन जाएगा ना। यानी कि इस पूरे को जो इसमें लिखा है a बार प्लस ए बी को, अगर मैं a बार प्लस बी में लिख दू सिंपल, तो बात तो वही है ना, समझ आएगा कि मैंने वही लगा दिया, मैं लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ लगा दिया। तो मैं इसको वैसे लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं ए बार प्लस बी प्लस में सी बार प्लस में ए बी बार सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसको अगेन हम आगे पीछे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं सिंपल, मैं ए बार इधर लिख देता हूं, प्लस में सी बार इधर लिख देता हूं, प्लस में बी इधर लिख देता हूं, प्लस में बी बार ए सी कर देता हूं, ठीक है। अब मैं अगेन क्या करूंगा, अगेन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ लगाऊंगा, कैसे मैं दिखाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ क्या कहता है कि x प्लस में x बार y क्या होता है, x प्लस y, राइट। तो अगर मैं b प्लस में b बार ac कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप खुद सोच के देखो, थ्योरम के अकॉर्डिंग आप x की जगह b रखा हुआ है, x बार की जगह b बार रखा हुआ है, और y की जगह ac रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, y की जगह ac रखा हुआ है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, x प्लस y। तो इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, x क्या मेरा b है ना, प्लस वाई, वाई क्या मेरा ए सी, तो मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस ए सी मिलेगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को बी प्लस ए सी कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको यहां दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ। तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस सी बार प्लस बी प्लस में ए सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन वही उल्टा फुल्टा करता हूं, ठीक है, कुछ मैं करता हूं, ए बार रहने देता हूं इधर, प्लस में बी प्लस में सी बार प्लस में इसको सी ए कर देता हूं, ए सी की जगह क्या कर देता हूं, सी ए, ए सी का सी ए हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक और लॉ पढ़ा था, और वो कौन सा लॉ था, वो था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि आप x इंटू वाई कर लो या y इंटू एक्स कर लो, बात तो एक ही है, यानी कि आप ए सी कर लो या सी ए कर लो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ लगा देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ क्या था कि x प्लस में x बार y क्या होता है, x प्लस y होता है, ठीक है। तो c बार प्लस में सी ए क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, हमने x की जगह c बार रखा हुआ है, x बार की जगह c रखा हुआ है, y की जगह a रखा हुआ है, यानी कि x प्लस y, x क्या है c बार प्लस y क्या है a, तो क्या बन जाएगा ये c बार प्लस सी ए क्या बन जाएगा, c बार प्लस a बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, a बार प्लस b प्लस में ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा, सी बार प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, सी बार प्लस ए। मैं अगेन इसको आगे पीछे कर देता हूं थोड़ा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बार प्लस में बी प्लस में सी बार, ये हो जाएगा ना। आप देखो, आपने एक और लॉ पढ़ा था, और वो कौन सा लॉ था,
कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में दो लॉ होते। पहला लॉ क्या था कि अगर आप एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करते तो आपको क्या मिलता है, वन मिलता है। और दूसरा क्या था कि अगर आप एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जीरो मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस ए बार है ना, तो मैं इसको पूरे को वन लिख देता हूँ सिंपल, प्लस में बी प्लस में सी बार। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक्स प्लस एक्स बार कर दो तो हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। ठीक है, अब एक और एक लास्ट स्टेप हमें करना है। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन भी पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन क्या कहता था कि कोई भी चाहे वेरिएबल हो अगर आप उसको वन के साथ ऐड कर रहे हो ना, कोई भी वेरिएबल हो अगर आप उसको वन के साथ ऐड कर रहे हो तो आपको ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। तो अगर मैं बी प्लस सी बार है अगर ये वन के साथ ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन सेज दैट इफ यू ऐड एनी वेरिएबल विद वन देन रिजल्ट विल ऑलवेज बी वन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, वन हो गया। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। सो गाइस, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि आप एक बूलियन एक्सप्रेशन को, चाहे जितनी बड़ी बूलियन एक्सप्रेशन को, हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, है ना, और यू कैसे एल्जेब्रिक मेथड से हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन का हमने फर्स्ट पार्ट देखा, यू कैन से फर्स्ट मेथड देखा। अब इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।